गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास टेंथ, पार्ट वन, पहला चैप्टर आपका अंतिम खाते, वाणिज्य के में पहला चैप्टर है आपका अंतिम खाते। अंतिम खाते को इंग्लिश में हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते को। और इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया होगा कि अंतिम खाते कैसे बनाए जाते हैं, तो आपको हम बता देते हैं। अंतिम खाते बनाने से पहले आप व्यापार खाता बनाएंगे, फिर लाभांश खाता बनाएंगे, फिर आप अंतिम खाते को बनाएंगे जिसे बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। और उसमें क्या क्या मदें जाएंगी वो आपको हम आगे अभी बताते रहेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन में, देखिए अंतिम खाते से क्या आशय है। तो आप देखिए वार्षिक के अंत में वार्षिक निष्कर्ष निकालने, वार्षिक के अंत में वार्षिक निष्कर्ष निकालने तथा लाभांश एवं व्यापारिक स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है या जो लेखांकन किया जाता है उसे अंतिम खाता कहा जाता है। फिर अभी आपको बताया था अंतिम खाते के विभिन्न भाग के नाम लिखिए, मतलब अंतिम खाता कैसे बनाया जाता है, किन किन खातों के द्वारा अंतिम खाता बनाया जाता है। तो पहला व्यापार खाता, दूसरा लाभांश खाता, तीसरा आर्थिक चिट्ठा। ये तीन खाते बनते हैं अंतिम खाते बनाने से पहले। फिर सकल लाभ से क्या आशय है, तो पहले आप ये जान लीजिए सकल लाभ है क्या, सकल लाभ किससे मिलता है। आपको बताते हैं सकल लाभ खाता हमारे व्यापार खाता से मिलता है। जो पहले हम व्यापार खाता बनाते हैं और उसका जो आंसर आता है, उसका जो आंसर आता है, क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा होता है, डेबिट पक्ष का योग कम होता है, दोनों को आपस में माइनस करने से जो हमें आंसर प्राप्त होता है तो वो सकल लाभ कहलाता है। लेकिन यदि क्रेडिट पक्ष का योग कम है और डेबिट पक्ष का योग ज़्यादा है तो आपस में माइनस करने पर हमारा आंसर सकल हानि में आता है। और डेबिट क्रेडिट पक्ष योग ज़्यादा है, डेबिट पक्ष योग कम है, तो दोनों को आपस में माइनस करने पर हमारा जो आंसर आता है वो सकल लाभ के रूप में आता है। तो हमने आपको यहाँ बताया सकल लाभ से क्या आशय है। तो आप देखिए वही चीज़ है, जब व्यापार खाते में क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष से अधिक होता है तो ये, जब व्यापार खाता में क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष से अधिक होता है तो ये अंतर की राशि, मतलब अमाउंट का अंतर की राशि आपस में घटाने पर जो प्राप्त होता है वो सकल लाभ होती है, उसे हम सकल लाभ उस राशि को, तो ये अंतर राशि सकल लाभ होती है। अब आइए व्यापार खाता से क्या आशय है। आप व्यापार खाता किसे कहते हैं, व्यापार खाता अभी तो व्यापार खाता में देखिए व्यापार से अभिप्राय, मतलब व्यापार से आशय क्या है, लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय, लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है और अतः वस्तु के माल क्रय विक्रय का परिणाम जानने के लिए एक और एक वर्ष की अवधि के अंत में जो खाता बनाया जाता है उसे व्यापार खाता कहते हैं। समझिए व्यापार खाता क्या है, अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि व्यापार खाता, पहले हम व्यापार खाता बनाते हैं, फिर लाभांश खाता बनाते हैं, फिर हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। तो व्यापार खाता से क्या है, व्यापार खाते का जो हम जब कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, तो कितना क्रय किया, कितना माल बेचा, कितना खरीदा और कितना मेरे खर्चे हुए, सब हम अपने व्यापार खाते में लिखते हैं। उसमें क्या क्या होता है, स्टार्टिंग का ओपनिंग जाती है, मतलब प्रारंभिक रहती है, परचेस और कैरिज, धुलाई, मजदूरी, ये आपके क्रेडिट पक्ष में जाते हैं, ये आपके डेबिट पक्ष में जाते हैं और क्रेडिट पक्ष में आपके विक्रय, विक्रय वापसी और अंतिम रहतिया ये जाता है।
फिर दोनों को जो हम घटाते हैं और जो आंसर आता है वो हम सकल लाभ कह सकते हैं और उस आंसर को, या व्यापार खाता का आंसर कहा जाता है। अब आप देखिए व्यापार खाते से क्या आशय है। व्यापार से अभिप्राय लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है। अतः वस्तु या माल के क्रय विक्रय का परिणाम जानने के लिए, अभी हमने आपको बताया है क्रय विक्रय का परिणाम कैसे जानेंगे। मान लीजिए हमने 80,000 का माल परचेस किया और 90,000 का मेरा स्टॉक है, हम आपस में जो घटाएंगे उस स्थिति को ज्ञात करने के लिए एक वर्ष की अवधि में जो खाता बनाया जाता है, मतलब एक साल के अंदर जो खाता बनाया जाता है उस खाते को हम व्यापार खाता कहते हैं। अब देखिए ये आपका हो गया। अब आपको हम बताते हैं व्यापार खाता कैसे बनता है। पहले वीडियो में आपको बताया गया होगा कि व्यापार खाते में क्या क्या आता है, एक बार रिवाइज और करा देते हैं। आप व्यापार खाता बनाते हैं तो पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट ये बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं व्यापार खाते में, पहले आप लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया लिखते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं परचेज मतलब क्रय, फिर अगर क्रय वापसी होती है तो लेस परचेज रिटर्न, इसको हम क्या करते हैं आपस में माइनस करके यहाँ दिखा देते हैं। फिर वेजेस जिसे बोलते हैं मजदूरी, फिर कैरिज जिसे बोलते हैं भाड़ा, और फिर फ्यूल जिसे बोलते हैं ईंधन, फ्यूल हो गैस, गैस फ्यूल। फिर आप क्या जाती है फैक्ट्री लाइट, ये चीज़ें आपकी व्यापार खाते में आती हैं। ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया, परचेस, परचेस रिटर्न, फिर वेजेस मजदूरी, कैरिज ढुलाई, फ्यूल ईंधन या गैस, फैक्ट्री लाइट कारखाने की बिजली। फिर यहाँ हम सबको टू करके लिखते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं बाय सेल्स, सेल्स में अगर सेल्स रिटर्न है मतलब विक्रय वापसी है तो आप सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे और यहाँ पर अमाउंट को लिख देंगे। फिर यहाँ आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक जिसे बोलते हैं अंतिम रहतिया, फिर इसको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे और इससे घटा देंगे इसके टोटलिंग से, कैसे आप समझने के लिए लिख लीजिए क्रेडिट माइनस डेबिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे आएगा, जब मेरा क्रेडिट ज़्यादा होगा और डेबिट कम होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और समझ लीजिए कि क्रेडिट माइनस डेबिट बराबर बराबर ग्रॉस प्रॉफिट और डेबिट माइनस क्रेडिट बराबर ग्रॉस लॉस, इसे बोलते हैं सकल लाभ और इसे बोलते हैं सकल हानि। ये आपका हो गया व्यापार खाता। अब आपको हम बताते हैं अब आपको हम क्वेश्चन बताते हैं कि आप पीएल किसे कैसे लगाएंगे जिसे बोलते हैं लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये कैसे लगता है अब आप देखिएगा। यहाँ पर जो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट का अंतर आता है, मतलब व्यापार का जो अंतर आता है, यहाँ लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी अंतर आता है यहाँ पर सारे खर्चे ऑल एक्सपेंसेस, जैसे कौन कौन से होते हैं, रेंट हो गया, टैक्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया और स्टेशनरी हो गई, ये सब खर्चे आपके इधर आते जाएंगे। यहाँ पर जो भी प्राप्त होगा, जैसे लिखा होगा प्राप्त किराया, प्राप्त कमीशन, प्राप्त छूट, ठीक, ये आपके इधर आते जाएंगे। बाकी जो भी प्राप्त नहीं होगा, खर्चे से जुड़ा होगा, वो आप यहाँ लिखते चले जाएंगे और इस अमाउंट से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपका वही रूल लागू हो रहा है, क्रेडिट माइनस डेबिट बराबर नेट प्रॉफिट और डेबिट माइनस क्रेडिट बराबर नेट लॉस। अब दोनों समझिए कैसे है, क्रेडिट ये है, डेबिट ये है, आपस में माइनस करने पर जो आएगा वो नेट प्रॉफिट आएगा, और डेबिट ये है, क्रेडिट ये है, आपस के जो माइनस करेंगे वो नेट लॉस आएगा। अंतर क्या है कि इस नेट प्रॉफिट को हम किस में जोड़ते हैं, इस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं, किस में, कैपिटल में, और इस नेट लॉस को हम कैपिटल में माइनस करते हैं। ये अंतर होता है, समझ गए। क्रेडिट से डेबिट को माइनस करने पर जो मेरा नेट प्रॉफिट आता है उसे हम कैपिटल में प्लस करते हैं, और डेबिट से क्रेडिट से माइनस करने पर जो हमें आंसर आता है उसे हम कैपिटल में माइनस करते हैं। ये आपका हो गया पीएल। अब आपको हम बताते हैं बीएस, जिसे बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है समझ लीजिए, बैलेंस शीट में आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स और अमाउंट, इसमें क्या लिखते हैं, आल संपत्तियां, सारी संपत्तियां, कौन कौन सी, भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, घोड़ा गाड़ी, ख्यात, ये सब आपकी संपत्तियां इसमें आ जाएंगे। तो आप लिखते जाइएगा बिल्डिंग, मशीनरी, जो भी जितनी भी संपत्तियां हैं आपकी, स्थायी संपत्तियां, यहां लिखते जाइएगा। यदि इनमें ह्रास दिया हो जो 5% 6% आपने पीएल में निकाला होगा, वो उनके अमाउंट से घट जाएगा। जैसे कि मान लीजिएगा बिल्डिंग 8000 की थी, 5% आपने डेप निकाला होगा तो 400 आया होगा, 400 माइनस करने पर 7600 रुपये ये आपके बिल्डिंग में आ जाएंगे, और ये 400 रुपये आपके पीएल के डेबिट में आ जाएंगे। ये रूल सारी संपत्तियों पर लागू होते हैं, ये रूल सारी संपत्तियों पर लागू होते हैं। और समझिए, और इसमें क्या क्या आता है, और इसमें आपका प्राप्ति पत्र आता है जिसे बोलते हैं बिल रिसेबल, और इसमें क्लोजिंग स्टॉक आता है, और इसमें डेप्टर्स आते हैं जिसे बोलते हैं देनदार, ठीक, और इसमें प्रीपेड आते हैं जो आपको, जिसे बोलते हैं पूर्वदत्त, जो आप पीएल में माइनस किए होंगे वो पूर्वदत्त की अमाउंट यहाँ आएगी, केवल पूर्वदत्त की अमाउंट यहाँ पर आएगी। क्लोजिंग स्टॉक सवाल में होगा, प्राप्ति पत्र
क्वेश्चन में होगा। देनदार पे अगर हरास है तो यही नियम लगाकर आप देनदार के अमाउंट लिख देंगे और बराबर कर देंगे। इधर क्या क्या आएगा, कैपिटल, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ता है, नेट लॉस माइनस होता है, ड्राइंग माइनस होती है, ड्राइंग मतलब आहरण, आहरण माइनस होती है और पूंजी का ब्याज जुड़ता है। और क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स आते हैं जिसे बोलते हैं लेनदार, बिल पेबल आता है जिसे बोलते हैं देय पात्र, आउटस्टैंडिंग आती है जिसे बोलते हैं आदत। दोनों का जोड़ बराबर आता है, अगर दोनों का जोड़ बराबर नहीं आता है तो आपका आर्थिक चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट कहीं पे गलत है, और कहीं आप देखिएगा पीएल गलत होगा या ट्रेडिंग गलत होगी, व्यापार खाता या लाभांश खाता, दोनों में कहीं गलती होगी या अधिकतर डेप में गलती होती है ह्रास निकालने में, उस गलती को आप ढूंढिएगा और सही करिएगा, आंसर आ जाएगा। अब आपको हम बताते हैं तो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर आपको हम थर्ड बताते हैं, फोर्थ। आप क्वेश्चन एक लगा के दिखाते हैं आपको हम, जिसे बोलते हैं लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे आप लगाइए, हम लगाते हैं। और देखिए आपके बुक का पेज नंबर 33 है, उसका है सवाल जो आपको हम लगाते हैं, पेज नंबर 33 बुक का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। लगाते हैं एक पीएल लगा के आपको बताते हैं कैसे लगेगा। बुक में सवाल देखिएगा, पेज नंबर 33 में है, सकल लाभ 10,000, इंग्लिश में लगाते हैं पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, हिंदी में लगाएंगे, हिंदी में भी आ जाएगा। आप यहाँ पर लिखते हैं हिंदी में लगाते हैं तो यहाँ आ जाएगा विवरण, रकम, विवरण और रकम, यहाँ आएगा सकल लाभ। सकल लाभ कितना है आपका, 10,000, 10,000 लिख देते हैं। फिर सवाल में देखते हैं प्राप्तियां हैं कि नहीं, आपके सवाल में प्राप्तियां होंगी तो लिखा जाएगा प्राप्तियां, वे पहले आप लिखे वेतन, वेतन 12,000, वेतन 2,000, किराया कर, किराया व कर, खर्चे सब इधर ही आएंगे, किराया कर 1,500, व्यापारिक व्यय, व्यापारिक व्यय 800, बट्टा दिया 200, कमीशन दिया, बट्टा प्राप्त 600, जो प्राप्त होगा इधर लिखेंगे बट्टा प्राप्त 600, मरम्मत व्यय
मरम्मत पे 450, कानूनी पे 1200, ब्याज 1500, बैंक पे 200, असोध ऋण 1000, हराज 2000, हराज जो संपत्ति का होता है वो इधर ही लिखते हैं 2000, विविध प्राप्त यात्रा पे 800, और क्वेश्चन में दिया है विविध प्राप्तियां 100, और कुछ है ब्राह्मण गाड़ी भाड़ा, आपका हो जाएगा 300। अब आप टोटलिंग करेंगे, क्या करेंगे टोटलिंग, कैसे करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, ये आपका हो गया 10,700। अब इसको आप टोटलिंग करेंगे तो 8, 2, 10, 5, 15, 15, 4, 19, 19, 21, 21, 26, 36, 37, 39, 3 से 2, 3, 2, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 1, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 9, 950 आया। 11,950 में से ये माइनस करते हैं, 9 में 7 गया तो 2, 1,250। आप देखिएगा आंसर आपका कितना आया है, 1,250। और 120 रुपये कमीशन का यहाँ लिखे, भूल गए, कमीशन लिखेंगे, कमीशन 120 रुपये। अब आपका ये टोटल आ जाएगा 10,950 में से, 10,950 में से 11,950 में से 120 जोड़ते हैं, 12,070 में हम 10,700 घटाते हैं, कितना घटाते हैं 10,700, तो 7 और 10 में 7 गया तो 3, 13,70 हमारा आया, 12,070। ये ज़्यादा आया है और ये कम आया है, इसलिए हम यहाँ पर सकल हानि लिखेंगे 13,070। समझ गए, अब ये ज़्यादा है ये कम है, इसलिए इसका टोटल इधर लिखेंगे दोनों तरफ और इससे माइनस कर देंगे, हानि आ जाएगी। ये ज़्यादा होता ये कम होता तो हम क्या करते, इसका टोटल दोनों तरफ लिखते और सकल लाभ यहाँ लिखते। ये क्वेश्चन नंबर बुक का 4 नंबर है, आप लोग देखिएगा और लगाइएगा। ऐसे आपका ये हो गया शुद्ध लाभ खाता, जिसे बोलते हैं व्यापार खाता, जिसे बोलते हैं लाभ हानि खाता। व्यापार खाते का आंसर ये है और ये है लाभ हानि खाता। आप क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, अब हम एक क्वेश्चन और लगा के आपको दिखाते हैं, एक क्वेश्चन और लगाइएगा, बुक का ही है। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे लगाते हैं, 5 में
फाइव में भी आपको लाभांश खाता बनाना है, जो आप बनाइएगा समझ में आएगा। अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। थर्ड भी, फाइव, फिफ्थ भी आपके सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से हैं, आप लगाइएगा। जब आपका आंसर नहीं आता है तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्ड और फाइव बताएंगे। आप इन्हीं नियमों के द्वारा इन क्वेश्चनों को लगाइएगा, सारे खर्चे इधर आएंगे, सारी प्राप्तियां इधर आएंगी और आपस में माइनस कर देंगे। यदि ये ज़्यादा है ये कम है तो हमारा आंसर सकल लाभ में आएगा, ये ज़्यादा है ये कम है तो सकल हानि में, ये ज़्यादा है ये कम है तो सकल लाभ में। ये याद रखिएगा, क्रेडिट माइनस डेबिट बराबर सकल हानि। पहले आप रूल लिख लीजिए, क्रेडिट माइनस डेबिट और डेबिट माइनस क्रेडिट। यदि डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो सकल हानि, और क्रेडिट से डेबिट तो सकल लाभ। आप लोग समझ गए? आप नेक्स्ट वीडियो जब आपको हम बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फिफ्थ का बताएंगे। आप लोग सवाल लगाइएगा क्लास टेंथ, और जो समझ में ना आए आप बताइएगा वीडियो के कमेंट्स में, ताकि हम आपको नया वीडियो बताएं तो आप उसमें हमें बताएं, कमेंट्स करें, बताइएगा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आप क्वेश्चन नंबर थर्ड फिफ्थ कुछ भी लगाते रहिएगा। व्यापार खाता नहीं, शुद्ध लाभ लगाना है, जिसे बोलते हैं लाभांश खाता। एक क्वेश्चन लग गया है, सेकंड क्वेश्चन आपको अगर हम लगाना है तो हम लगा के बता देते हैं कैसे लगता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी सकल लाभ आपका दिया है 20,000, तो आप यहाँ लिखेंगे सकल लाभ 20,000। क्वेश्चन नंबर फिर दिया है किराया 500, यहाँ लिखेंगे किराया 500। फिर क्वेश्चन में दिया है कटौती लिखेंगे, कटौती होगी 100 रुपये। बीमा 300। अप्राप्त ऋण 300। मरम्मत 200। कमीशन 200। व्यापारिक व्यय 800। वेतन 13,000। कर 200। कटौती क्रेडिट 50। ऋण पर ब्याज 400। छपाई व लेखन सामग्री तीन सौ। फुटकर व्यय 500। कमीशन क्रेडिट 400। पूंजी पर ब्याज 1,000। आहरण पर ब्याज 400। पूंजी पर ब्याज 1,000।
अब आप इसको जोड़िएगा और चेक करिएगा कितना है इसका आंसर। तो आप इसको जोड़ेंगे तो 20,850 कितना आया, 20,850 इसका आ गया, 20,850। इसको जोड़ेंगे, जोड़िएगा 5, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 12, 2, 14, 16, 16, 8, 24, 34, 3,000, 3, 4,000, 4,000, 800 और 13,000 में जोड़ लीजिए। 13,000 में से 4,800 जोड़िएगा, 17,800 आ जाएगा। कोई अमाउंट कमीशन बिक्री पर भाड़ा 200 रुपये, बिक्री पर भाड़ा 200 रुपये, इसकी टोटलिंग करेंगे आप तो इसकी टोटलिंग आ जाएगी आपकी 18,000। और इस 18,000 में से 20,850 में 18,000 माइनस करिएगा, एक 18, तो आंसर आप देखिएगा 850, 10 में 8 गया तो 2, कितना आया 2850। आपका बुक का आंसर है 2850, यहाँ लिख दीजिए और ये आपका आ जाएगा शुद्ध लाभ। क्या आ जाएगा, शुद्ध लाभ। ये आपका सवाल हो गया। ऐसे ही आपको टोटलिंग दोनों तरफ वही रहेगी, ऐसे ही आपको सवाल को लगाना है। व्यापार खाता जैसे हैं, आपको शुद्ध लाभ खाता बोलेगा, लाभ हानि खाता बनाइए तो आप ऊपर लिखेगा लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता, और ऐसे ही लगाइएगा सकल लाभ इधर, सारी प्राप्तियां इधर, सारे खर्चे इधर, टोटल करिएगा, माइनस करिएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका लाभ हानि खाता हो गया। आपको हमने जैसे वीडियो में दो न्यूमेरिकल बताए हैं, बाकी आप न्यूमेरिकल लगाइएगा लाभ हानि खाते के, क्वेश्चन नंबर 4 लगाइएगा, वो आपको लाभ हानि खाता ही बनाना है। अगले वीडियो में हम आपको आर्थिक चिट्ठा बताएंगे कैसे लगाया जाता है, सकल लाभ और आर्थिक चिट्ठा एक साथ, सकल लाभ शुद्ध लाभ एक साथ बताएंगे और आर्थिक चिट्ठा भी बताएंगे अगले वीडियो में। आप वीडियो देखते देखिएगा और क्वेश्चन को लगाइएगा फिर हमें बताइएगा। क्लास 10th क्वेश्चन लगाइएगा फिर बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करिएगा, लेकिन आप क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा। क्वेश्चन नहीं लगाएंगे समझ में नहीं आएगा। ये आपको हमने लाभांश खाता बताया है, अगली वीडियो जब आपको हम बताएंगे उसमें आर्थिक चिट्ठा कैसे लगता है और सकल लाभ शुद्ध लाभ के सवाल एक साथ कैसे लगाए जाते हैं। बाकी बचे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। कोई दिक्कत हो बताइएगा, हम आपको बताते हैं। चलिए क्लास 10th नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक कि आप ये क्वेश्चन करिएगा।